हाँ आशीष, कैसे हो? ठीक है सर। जय हिंद सर। जय जय भैया, झारखंड पहुंचे कि नहीं अभी? अरे हाँ पहुंच गए सर। अभी तो घर में हजारीबाग में सर। चलो बढ़िया है। हजारीबाग वैसे हम आए हुए हैं एक बार। अच्छा, पहले हम लोग का एक माइंडसेट रहता था कि जैसे रांची जा रहे हैं या हजारीबाग जा रहे हैं, तो ये सोचते थे कि बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं है झारखंड को लेकर। अच्छा, मैं विजिट किया तो आई रियली फील प्राउड कि हर जगह डेवलपमेंट बहुत अच्छा है। मतलब कंपेटिव, हर जगह से डेवलपमेंट बहुत अच्छा। अच्छे अच्छे स्टेडियम मैंने वहां पे देखे, स्पोर्ट्स को इतना मैंने प्रोत्साहित होते हुए वहां पे देखा, तो ग्रीनरी बहुत ज्यादा है। सबसे अच्छी बात तो ये लगती है वहां जाने के बाद। तो हजारीबाग के क्या फेमस है भाई? हजारीबाग में सर मिठाई में गुलाब जामुन बहुत फेमस है, जी, और और यहाँ के कन्हारी हिल वो फेमस, मतलब घूमने के लिए अच्छा जगह है। और कन्हारी हिल हो गया, फिर हजारीबाग झील हो गया सर, जी, निर्मल महतो चलिए बहुत पार्क। बढ़िया। जी, तो चलिए सबसे पहले आशीष, आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन बच्चा है स्टेज टू में सफलता पाने के लिए, एंड आई थैंक यू थिंक इट्स अ सर। बिग अचीवमेंट। हाँ, तो सबसे पहले ये बताइए कि परिवार में कौन कौन है, कैसे ये जर्नी शुरू हुई, कैसे दिमाग में आया कि मुझे आर्म फोर्स की ओर बढ़ना है? सर परिवार में मम्मी पापा और हम लोग तीन भाई होते हैं सर, जिसमें सबसे छोटा हम है। जी और बड़े भैया बिजनेस करते हैं दुकान में, और बीच वाले जो भैया है वो यूट्यूबर है। अच्छा, वो यूट्यूबर हैं। हाँ सर। और चलिए बहुत अच्छी बात है। एक सिस्टर है, और बस जी ये स्मॉल फैमिली है सर, छोटा सा फैमिली है। और जब हम पटना में पहले कोचिंग करते थे सर, करतार कोचिंग सेंटर में, बट हमको वहाँ का स्टडी अच्छा नहीं लगा, तो फिर मेरा माइंड में हम सोचे ना कि ऑनलाइन क्लास से जुड़ना अच्छा रहेगा। घर में जाके ऑनलाइन क्लास करेंगे, वहाँ प्रॉपर नेटवर्क भी मिलेगा, और रिकॉर्ड क्लास समझ नहीं आएगा तो रिकॉर्ड क्लास से भी हम क्लास कर लेंगे। क्लास कर लेंगे जी। तो फिर कैसे, मतलब हम जब यूट्यूब में शॉर्ट देख रहे थे, तो एक मेजर कालसी क्लासेस के नाम से, मतलब जहाँ से हम पढ़ाई किए हैं, सफलता पाए फेज टू के लिए, वो जी तो जी बहुत जी बहुत शुक्रगुजार मेजर कालसी क्लासेस को सर। मैंने आपकी भी काबिलियत है जी बच्चा। तो सर यूट्यूब से हमको विजिट आया मेजर कालसी क्लासेस का, तो हम वहाँ जाके ज्वाइन किए। तो फिर हम एक सबसे ज्यादा अगर हम सर किसी को अपना मतलब शुक्रगुजार करते हैं तो अनुज सर को सर। अनुज सर बहुत हेल्प किए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये आपको हर अनु सर लेवल से पे मदद मेरी, की। हाँ अनु सर से मेरी बात हुई। सर बोले कि बेटा मेजर कालसी क्लासेस से आप ज्वाइन कर लो, आपको सफलता 100% मिलेगी। तो जी मैंने बिना हिचकिचाए हुए सर मेजर कालसी क्लासेस ज्वाइन किया। तो फिर मेजर कालसी ज्वाइन करने के बाद हमको लगा कि अब नेवी का आया था फॉर्म सर, तो फिर नेवी का मैंने बैच नहीं परचेस कर पाया, थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम था सर। चलिए कोई बात नहीं, आप स्टेज तो टू पे लगे मेहनत के सफलता ली हो जाता है मैम। उसके बाद सर बताए कि यूट्यूब में मॉडल पेपर आएगा, तो उनको जरा बढ़िया से फेस करना और पढ़ते रहना। जी अनु सर बताए, उसके बाद हम प्रिपरेशन किए सर। फिर नेवी फेज वन में अच्छा मार्क्स आया नहीं, क्योंकि 35 मार्क्स आया सर नेवी फेज वन जी में। उसके बाद सबसे पहले हम अनु सर को कॉल किए, बोले सर अभी नेवी फेज वन क्लियर हो गए सर, तो आगे का प्रोसेस क्या है। तो अनु सर बताए कि बेटा फेज टू के लिए आप मेजर कालसी क्लासेस को एक बार फिर से ज्वाइन कर लो बेटा। तो ज्वाइन किए सर, और वहां से हमने क्लासेस की ज्योग्राफी, मतलब जीके जीएस मैथ इंग्लिश और फिजिक्स का क्लासेस किए सर। उसके बाद 15 दिन ही क्लास हुआ सर, लेकिन 15 दिन में पूरा वहाँ जो क्वेश्चन जो पूछा था ना सर, वो 55% क्वेश्चन मैच किया है सर। मतलब 100 में से 55 क्वेश्चन आया, और 55 क्वेश्चन मैंने सही किए सर। क्या बात है, 55 की हो तो भाई श्योर शॉट भी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, ये बढ़िया है। तो सबसे कब था आपका? विशाखापट्टनम था आपका सेंटर ना, नेवी का? हाँ विशाखापट्टनम था सर, INS सरकास विशाखापट्टनम में था। 30 अगस्त को था सर। तो 30 अगस्त को सबसे पहले हम लोग का बायोमेट्रिक डन हुआ, तो
सब कोई हम लोग गए, टोटल थर्ड शिफ्ट में था सर 9:30 बजे, थर्ड शिफ्ट में था। तो थर्ड शिफ्ट में टोटल 25 गर्ल्स गई थी और अप्रोक्स 60+ लड़के होंगे, सबको तो साथ सबको में ही नहीं दौड़ा इस बार, गर्ल्स एंड बॉयज को? नहीं सेपरेट करके सर। अच्छा, सेपरेट करके दौड़ा है, ठीक है। फिर तो उसके बाद, बेसिक मेडिकल किए होंगे, फिजिकल के बाद? हाँ मेडिकल किए थे सर। मेडिकल में तो बेसिक रहा होगा, जैसे आई हो गया आपका, हाइट वेट हो गया, उम्र हो गया उसके अनुसार, बाकी नौकनी वगैरह हो गया, सर्जरी वगैरह देख लेते हैं, दाग वो कहीं ना हो, स्किन प्रॉब्लम ना हो, ये मोटा मोटा देखते हैं उस समय, क्योंकि अभी हाँ डिटेल सर। मेडिकल बेटा आने शिलका में होगा आप लोगों का, ठीक है ना? तो आपको तब तक हाँ फिट और अपने आप को दुरुस्त रखना है, ठीक है? अच्छा, ठीक है सर। फिर उसके बाद रिटन एग्जामिनेशन हुआ, तो रिटन में हाँ कितना टोटल क्वेश्चन एग्जैक्ट, मतलब कंट्रोल वाला क्या अटेम्प्ट है? बाकी तो फिर तुक्का आदमी मारता ही, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है नहीं तो आदमी टिक तो करेगा ही। सर, क्वेश्चन हमको इतना क्वेश्चन यहाँ से मेजर काजी क्लासेस हमको पूरा एकदम फाइट करवा दिए थे कि क्वेश्चन हमको आ दे सर। बहुत बढ़िया। और बहरहाल फिफ्टी आप लोग पर, 50+ क्वेश्चन करेक्ट करके आए हैं सर। क्या बात, तब तो डन है जी, कोई दिक्कत ही नहीं कहीं से कहीं तक अब। सेक्शन डी में मतलब सेक्शन डी में जीके जीएस का सेक्शन था सर, जिसमें से जो हम पढ़े थे, जो आशीष क्या नाम है सर, आशीष सर ही है जो जनरल आशीष सर, नॉलेज, यहाँ से हाँ हाँ आशीष तो सर, वो पढ़ाए, वो जितना बताए थे सब कुछ आ गया था सर। क्वेश्चन आया था जीके जीएस में, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है, और आया था कि मतलब जो फाइटर जेट है वो किस देश से निर्माण किया था, और ठीक है एक ठीक आया था लक्ष्य मालदीव का करेंसी क्या है सर, फिर है। संक्रांति संक्रांति फसल, इस टाइप का कुछ क्वेश्चन था, वो आया था, वो पूरा क्लियर कर लिया, पूरा डिटो पढ़े थे सर और डिटो क्वेश्चन आ गया। बहुत अच्छा लगता है जब आप इस तरह से परफॉर्म करते हैं, कॉन्फिडेंट हो जाता है आदमी। हाँ, तो कितने बजे शाम को निकले थे वहां से बच्चे? सर 30 अगस्त को रनिंग सिर्फ करवाया गया था और एग्जाम लिया गया था, उसके बाद अच्छा, 30 अगस्त को थोड़ा सा इशू हुआ सर, क्योंकि विशाखापट्टनम में बहुत ज्यादा पानी और आंधी का ये आ गया आंधी था, का तो माहौल था। हाँ तो सर बोले ना कि बेटा मेडिकल 31 को होगा 8:30 बजे, और हम लोग को वहां से 4:30 बजे छुट्टी कर दिया था, क्योंकि बोला ना शाम में कि अगर हम अभी कलर विजन चेक करेंगे तो अंधेरा में हम कलर विजन चेक नहीं करेंगे, नहीं कर पाएंगे, सही बात है। तो रूम नियर वगैरह, डे नियर। तो रूम हाँ वगैरह सर, वहां लिया था आपने? रूम वगैरह ले लिया था वहां बाहर निकल के? अच्छा, हाँ सर लिए थे गजू वाका में, बट सर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा सर, हिंदी तो कोई नहीं वहां बोलता है सर। कोई नहीं बोलता है। और खाना सबसे बड़ा डिफिकल्ट है, वो खाना हम लोग खा नहीं सकते। हम लोग के यहाँ आदमी को ही दाल चावल रोटी सब्जी खाने का आदत है, वो मिलता नहीं है तो दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है। वहां ओनली दम बिरयानी, ये एक बिरयानी वही वगैरह मिल रहा था, तो हमको ये सब एक जरा भी इंटरेस्टेड नहीं है इस सब फूड में सर, क्योंकि अगर हम वहां खाते ना सर तो मेरा रनिंग क्लियर नहीं हो पाता सर। सही बात है, कोई बात नहीं, अगर आप वेज हैं तो आपको वेज ही खाना चाहिए, तो कोई बुराई नहीं। तो बेसिकली पिताजी क्या करते हैं ये बताइए आप आशीष। सर पिताजी रेलवे एम्प्लॉय है सर, माइक्रोफोन में। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया है। तो वहीं पे अभी पोस्टेड है, हजारीबाग में ही? नहीं सर, पोस्टेड है चंद्रपुरा जंक्शन में। अच्छा, तो आते जाते होंगे, रहते वहीं होंगे, चलिए हाँ बहुत बढ़िया है। तो परिवार में पहले इंसान है जो आप फौज में जा रहे हैं, कि इससे पहले कोई बैकग्राउंड रहा है फैमिली नहीं सर, फर्स्ट हम ही है जो फौज में जा रहे हैं। का? चलिए, तो जहां से आप बिलोंग करते हैं, मतलब जो गांव है, जो कस्बा या सिटी आप रहते हैं, तो वहां भी लोग इससे पहले आर्मी नेवी एयरफोर्स का हिस्सा है कि नहीं है? नेवी में मार्चेंट नेवी है सर, अब एक भैया है मार्चेंट नेवी में है, बट वो हम लोग से बहुत ज्यादा दूर 10 किलोमीटर की दूरी पे रहते हैं। दूरी पर रहते हैं। चलिए, मतलब आर्मी नेवी एयरफोर्स में कोई हिस्सा नहीं बना है। हाँ, चलिए आशीष, आपसे आर्मी बहुत आर्मी में सर मेरे मतलब है, वही हमको फिजिकली स्ट्रॉन्ग किए हैं, रनिंग अच्छा। करवा के आर्मी, एक है आलोक मंडल, अच्छा, तो उन्होंने आपको वही करवाया सपोर्ट है किया सर। पूरी तरह से? हाँ, चलिए बहुत बढ़िया। अभी एक और फॉर्म आया हुआ है नेवी नर्सिंग का, जानकारी है कि नहीं आपको? नेवी सर एसआर नर्स, जानकारी है बट नर्स बायोलॉजी नहीं है सर। बायोलॉजी नहीं, यही कष्ट का विषय है, नहीं तो इसको ही पीट देते हैं। चलिए कोई बात नहीं, बड़ी बढ़िया अपॉर्चुनिटी आई हुई है। और जो भी आपके आसपास के लोग बायो वाले हों, जो आपके बच्चे दोस्त हों या फिर
कलीग्स हों उनको जरूर सजेस्ट करिए। बढ़िया फॉर्म है और परमानेंट की डिग्री शुरू से ही है, तो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी एक तरीके से। और अभी एक बड़ी अफवाह भी लोग उड़ा देते हैं ना, इस देश में कुछ होता नहीं सही तभी अफवाह उड़ाना शुरू कर, हर चीज को इस देश में हवा बना दो, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। मुझे लगता है ईमानदारी से प्रयास करिए, सच्चाई से मेहनत करिए, तो जीवन में आप सब कुछ पा सकते हैं जो आप हाँ पाना सर, चाहते हैं। अभी अभी आप एग्जाम दे के आए, आपने महसूस किया होगा बस ईमानदारी से मेहनत की, इसलिए आपको लक्ष्य क्या वो बच्चे आपका मिल गया एग्जाम। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम तो कहेंगे पूरे झारखंड के लिए आपसे हम मैसेज चाहेंगे, बिकॉज बहुत सारा यूथ है वहां पे जो काबिल है, मेहनती है, हार्डवर्किंग है, लेकिन अवेयरनेस नहीं है, जानकारी नहीं है, जिसके वजह से वो बेरोजगार बैठा हुआ है। क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको आप? सर मैसेज हम सभी अपने भाई बहनों को यही मैसेज देना चाहेंगे सर, क्योंकि हवाबाजी में हम लोग को रहना नहीं है, हम लोग को वही क्लास ज्वाइन करना है जहां से हमको 100% सफलता मिले। बहुत तो कोई होते हैं कि मेरे पास आ जाओ मैं आपको 100% सफलता दूंगा, बट वहाँ हवाबाजी में नहीं जाना है सर। जहाँ हमको पूरा 100% हमको जॉब दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, और वही क्वेश्चन डिटो मेरा आ रहा है, तो हमको वही जाना चाहिए। और वही सजेस्ट करेंगे कि आप सभी भाई बहन मेजर कल से क्लासेस को ज्वाइन करके एक बार जरूर यहाँ से कोचिंग कीजिए, बिल्कुल आपको 110% यहाँ से जॉब मिलेगी तो मिलेगी सर। बिल्कुल मिलेगी। और आज और तीसरी बात पे शेयर करना चाहूंगा आपसे कि भी जो नर्सिंग का फॉर्म आया, तो जिससे अभी गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन दिया कि 50% वाले सारे कैंडिडेट जा सकते हैं, लेकिन देश में इतनी हवाबाजी है, जिसे आपने वर्ड यूज किया, मतलब आता जाता कुछ नहीं, जानकारी कहीं कुछ नहीं है ना, नेवी में कोई उनके बच्चे भी सिलेक्ट हुए होंगे, मतलब उतना उम्र भी नहीं है अभी, तो देखता हूँ इतना फेकिज्म फैलाया जाता है, मतलब बच्चों के दिमाग में डाल दिया कि 90% वालों का आएगा। क्यों भाई, एकदम सेंसलेस तरीके से, जबकि 50% के ऊपर जितने ही बच्चे फॉर्म भर रहे हैं सबके आ जाने हैं, मतलब किसी का रुकना नहीं है, क्योंकि स्टेज वन में शॉर्टलिस्टिंग में केवल फॉर्म का एक्यूरेसी चेक किया जाएगा, स्टेज टू में तो प्रॉपर रिटर्न फिजिकल करा ही रहे हैं, अगर वहां ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं पहुंचेगी तो अपनी सीट ही नहीं फुल कर पाएंगे वो। लेकिन वही आप जो वर्ड यूज कर रहे हैं कि हवाबाजी एक तरीके से क्रिएट कर दो, बच्चा कंफ्यूज हो जाए, माखौल बना दो, कर नहीं सकते, मतलब डिमोटिवेट करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है दुनिया में, मुझे बस ज्यादा है इसी बात सर। का दुख है। बट आप लोग मेहनत करो बच्चा, जहां भी रहो ऐसे ही सफलता लो, और मुझे लगता है कि दुनिया में सबसे बड़ा जवाब है सफलता, सक्सेस लेते रहिए, सफलता इन सबको जवाब मिलता रहेगा, और ये जो बुराई है इनका अंत होता रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। एक बार आशीष हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन बच्चा, और ग्रुप में आप जुड़ जाइएगा, नेवी वाले में होंगे ही एग्जैक्टली, नहीं तो मैं अभिजीत सर को बोलूंगा, जोड़ेंगे आपको। कभी भी कोई मदद की जरूरत हो बच्चा, कोई हेल्प की जरूरत हो, वी आर ऑलवेज विथ यू, हम हमेशा आपके साथ हैं, और हमारे जीवन का लक्ष्य यही कि यार हर घर में कम से कम हम एक फौजी बच्चा बना सकें, और हाँ सर, इतनी अपॉर्चुनिटी आती है कि अगर बच्चा हमारे साथ लगे, साल 6 महीना मेहनत करे, तो ये वादा भी है कि कहीं ना कहीं सेट कर दूंगा। और जो समाज में एक और पॉइंट आप लोगों को दिया जाता है कि 4 ईयर है, अग्निवीर है, एक चीज और श्योर कर देना चाहता हूँ इस मंच से, और बार बार कह रहा हूं मैं कि आप सब मेरे लाल जितने भी हो सब परमानेंट कैटेगरी में जाओगे, बस इसको लिख के ले लो, मतलब एक बच्चा बाहर नहीं आना है। तो ये जो बैठ करके केवल ब्लेम लगाते हैं उनसे भी दूर रहना है आपको, आप जाइए आगे बढ़िए, आप उनसे करोड़ गुना अच्छे हैं बच्चा, जो बैठ के बेरोजगार है, नल्ले की तरह घूम रहे हैं, बिल्ले की तरह, बट जो सफलता मेहनत करके ईमानदारी से पा रहा है, उसको भी उनको क्या करना है, डिमोरलाइज करना है, डिमोटिवेट करना है। तो ऐसे लोग से दूर रहिए, आगे बढ़िए, अभी आपको बहुत आगे जाना है, और हम जी सबका सर, ढेर सारा आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। ठीक है बच्चे, हाँ सर, चलिए मम्मी पापा को भी शुभकामनाएं दीजिएगा, और बिल्कुल नेवी में सेलेक्ट होइए, एकेडमी पहुंचिए, और फिर एकेडमी से जब निकलिएगा तब बढ़िया से एक बार इंटरव्यू और किया जाएगा। हाँ, जय हिंद सर। जय हिंद भैया, जय हिंद, जय हिंद।